मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान हमने फर्क देखा फर्स्ट प्रॉब्लम में। अब यहाँ पर एक ड्राई सेल हम यूज करेंगे और उसका जो वोल्टेज है वो हमें गिवन है, आप देख रहे हैं चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है। सो हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट की एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होगी। द ईएमएफ ऑफ अ ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट्स। एक ड्राई सेल है आपके पास, उसका ईएमएफ आपको गिवन है, यानी लोअर लोअर टर्मिनल से जब हायर टर्मिनल तक हम जाते हैं तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना है, 1.5 वोल्ट्स का डिफरेंस है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द सेल इन ड्राइविंग 0.4 कूलम ऑफ चार्ज राउंड द सर्किट। अब अगर इतना अमाउंट चार्ज है आपके पास, इस ड्राई सेल से उसको एनर्जी मिलती है, ये अमाउंट है चार्ज का, और वो इस क्लोज सर्किट में मूवमेंट कर रहा है, क्लोज सर्किट में वो फ्लो हो रहा है, उसकी जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रही है। सो हमने देखना ये है कि कितने अमाउंट की एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होगी, यानी जब उसको बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, सप्लाई करेगी उसको एनर्जी, वही एनर्जी वो यूज़ करेगा। सो कितनी एनर्जी वो यूज़ करेगा उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट देखिए आप, यहाँ पर अगर हम ड्राई सेल शो करना चाहें, ये हम यू ड्रा कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी। यहाँ पर आपने देखा होगा एक हेड सा होता है, केप सा, इसको हम कहते हैं ड्राई सेल। अब देखिए इसको डिफरेंट कलर से शो कर रहे हैं, ये इसकी पूरी जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये है उसका वो कैप। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, इस वाले पर लिखा होता है प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर लिखा होता है माइनस। अब इसी को हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी सप्लाई, कि ये हमें चार्ज के लिए एनर्जी सप्लाई करेगा और वही एनर्जी पर चार्ज यूज करेगा। सो यहाँ से देखिए एक सर्किट हम कंप्लीट कर लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल सर्किट है। अब सर्किट में आपके पास मैनी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हम एक सिंपल सर्किट यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये एक क्लोज्ड सर्किट। अब यहाँ से चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे अगर आप कन्वेंशनल करंट की जो मूवमेंट है वो देखें। सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से यूं उसकी मूवमेंट होती है इस डायरेक्शन में, इस क्लोज सर्किट से पास होते हैं, यूं कंप्लीट करते हैं सर्किट को, यहाँ पर वापस आ जाते हैं। सो जब वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर वापस आ जाते हैं, यहाँ से फिर क्या होता है, ये बैटरी उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी यहाँ पर चार्ज आ गया, अब बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, यूं यहाँ पर आएगा, तो जब अगेन वो इस टर्मिनल तक पहुंच जाएगा, तो देखिए बैटरी ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, अब वही एनर्जी जब वो हायर पोटेंशियल पर आ जाएगा, सो वही एनर्जी वो अगेन यूज करेगा और इस सर्किट में मूवमेंट उसकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, यूं चार्ज अगेन इस पाथ पर आएगा, यूं इसकी मूवमेंट होगी, जब यहाँ पर आ जाएगा सो फिर इसको बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो एनर्जी वो यहाँ पर यूज करेगा। सो जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, वो गिवन है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या यहाँ पर दोनों के दरमियान जो ईएमएफ है वो हमें गिवन है, ईएमएफ फॉर्म में गिवन है। सो हम लिख सकते हैं ईएमएफ, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली नेचर इसका फोर्स नहीं है बल्कि वोल्टेज का नेचर है। सो यह आ जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स, और जो चार्ज के अमाउंट है वो गिवन है, चार्ज जो कि इक्वल है 0.4 कूलम्स, 0.4 कूलम्स। हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो एक्चुअली किसके इक्वल होगी, जब आप चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, लोअर से हायर तक आप इसको मूव करते हैं, तो देखिए आप इस पर वर्क डन करेंगे, और वो वर्क डन कहाँ से आता है, बैटरी से। तो जितना वर्क डन वहां पर हो जाता है बैटरी की तरफ से, वही फिर यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये कि जितना हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे उतनी एनर्जी वो चार्ज डिसिपेट करेगा इस सर्किट में। सो एक्चुअली वो इक्वल होगा इस वर्क डन के। सो यहाँ पर अगर आप ईएमएफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, ईएमएफ का हम यूँ लिख सकते हैं, आप लिख लें सोल्यूशन, किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, ईएमएफ जब हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि वो वर्क डन जब चार्ज को हम लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल तक ले जाते हैं, सो उस चार्ज के ऊपर आपने जितना वर्क डन किया दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और यहाँ पर अगर आप देखें, ईएमएफ हमें गिवन है, ये वाला ये क्वांटिटी गिवन है,
चार्ज गिवन है, सो हमने वर्क डन एक्चुअली कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल होगा डिसिपेटेड एनर्जी के। सो देखिए अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है सो क्यू को बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई ई टाइम्स चार्ज, यानी ई एम एफ टाइम्स चार्ज, चार्ज टाइम्स ई एम एफ, यह आ जाएगा। अब अगर आप देखें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों वैल्यूज हमारे पास नॉन है, सो हम जस्ट इन वैल्यूज पुट करेंगे, यह आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू ई एम एफ गिवन है 1.5 इंटू चार्ज भी गिवन है दैट इज 0.4, और ये वर्क डन एक्चुअली किसके इक्वल होगा, एनर्जी के, जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, यानी जितनी एनर्जी प्रोवाइड की बैटरी ने उसी उतनी एनर्जी डिसिपेट होगी, सो एक्चुअली इक्वल होगा एनर्जी डिसिपेटेड के। और 1.5 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सो इससे आ जाएगा 0.6, 0.6। अब चूंकि एनर्जी डिसिपेटेड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई, सो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास यूनिट आ जाएगा जॉल्स में, यानी इतना वर्क डन हम एक कूलम पर हम कितना वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी वहाँ पर डिसिपेट होगी। सो अगर आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज इतना है 0.4 कूलम और इस पर आप इतना वर्क डन कर ले, तो इसका मतलब है कि इतनी ही एनर्जी डिसिपेट होगी, यानी अगर आप इस चार्ज को नेगेटिव से, इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाना चाहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 1.5 वोल्ट्स हो, तो इसका मतलब है कि आप उस पर 0.6 जूल्स वर्क डन करेंगे, और वही वर्क डन फिर यूज होगा इस चार्ज से, चार्ज उसको यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी उसको एनर्जी को डिसिपेट करेगा मुख्तलिफ फॉर्म्स में, ये हीट फॉर्म में भी हो सकता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर कंसिडर कर लें या इस वायर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लें, इसी तरह वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ किसी और मैकेनिकल एनर्जी में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैनी फॉर्म्स है जिसमें ये वर्क डन फिर डिसिपेट हो सकता है।